आप तकनीकी सार पे सबसे पहले ये खबर देख रहे हैं, इसके पहले किसी भी चैनल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसका इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को इंडिपेंडेंट टीवी के बारे में जानना होता है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये मैसेज डाल दिया है इंडिपेंडेंट टीवी ने अपने साइट के ऊपर। उन्होंने कोई भी ट्विटर हैंडल अकाउंट या किसी भी अकाउंट पर कुछ नहीं डाला है, टीवी उनका अभी चल नहीं रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन जो डाला है उसमें लिखा हुआ आ रहा है, आवर टेक्निकल टीम्स आर वर्किंग टू री एस्टेब्लिश आवर सेटेलाइट नेटवर्क फॉर रिजम्पशन ऑफ आवर डी टू एस सर्विसेस। उनका टेक्निकल टीम काम कर रहा है रिज्यूम करने के लिए सर्विसेस को। अब नया बहाना सुनिए दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक लेवल का बहाना है। ये बहाना ऐसा है कि इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, कोई पैसा पेमेंट नहीं, कोई किसी की तरह की बात नहीं। अब ये सीधा ये बोल रहे हैं कि हेवी रेन्स एट मुंबई हैव डैमेज आवर नेटवर्क एट मुंबई एंड ऑल्सो द लिंक बिटवीन मुंबई हेड एंड बैंगलोर अपलिंग स्टेशन। मतलब कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है मुंबई के अंदर, सबको मालूम है, लेकिन उसी का ये बहाना लेते हुए ये बता रहे हैं कि मुंबई का जो भी नेटवर्क है उसमें कुछ इनकी गड़बड़ी आ गई, लिंक जो है इनका सही नहीं काम कर रहा है, और मुंबई का जो हेड एंड है और बेंगलोर का जो अपलिंग लोकेशन है इनके बीच में आपका कह सकते हैं कनेक्शन टूट गया है या फिर इनका काम नहीं कर रहा है सही से। वी आर वर्किंग ऑन रिपेयरिंग द सेम ओवर टाइम। अब कह रहे हैं कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं इसको रिज्यूम करने के लिए। आगे वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगला जो है इनका तारीख जो दिया इन्होंने, अब इन्होंने कोई भी फिक्स डेट नहीं दिया है दोस्तों। पहले ये फिक्स डेट देते थे, अब इन्होंने सीधा बोल दिया कि एक्सपेक्ट टू गो लाइव एनी डे आफ्टर अगस्त 21 नेक्स्ट वीक। मतलब कि अगस्त 21 के बाद कभी भी लाइव आ सकते हैं। आज 15 अगस्त था, झूठ खबर इन्होंने पहले चला दिया, अब 21 अगस्त का डेट इन्होंने दे दिया है। तो 21 अगस्त के बाद अब ऐसा सोच सकते हैं आप कि इन्होंने कोई भी डेट नहीं दिया, मतलब कुछ भी नहीं मालूम कि कब चालू होगा। 21 अगस्त मतलब 22, 23, 24, 25 कभी भी चालू हो सकता है। इसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि अगर आप दोबारा रिकनेक्ट कराना चाहते हैं अपनी सर्विसेज को, तो कस्टमर को रीवैलिडेट करना पड़ेगा अपने कनेक्शन को। उसके लिए वो मोबाइल के एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीजें बताएंगे जिसपे जाके काम करना है आपको, जिसपे जाके लिंक पे आपको क्लिक करना है। मतलब कि आपको वापिस अगर इंडिपेंडेंट टीवी चलवाना है अपने टीवी के अंदर, तो आपको वैलिडेट करना पड़ेगा अपने कनेक्शन को, तभी जाके आपका जो भी कनेक्शन है वो चलेगा। मतलब वे बता रहे हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर उसके बारे में जानकारी आपको वो दे देंगे अपने लैंडिंग पेज, जो भी वेबसाइट है या फिर जो भी चीजें हैं वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे क्या करना है। लेकिन इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो भी क्रेडिट है वो आपके अकाउंट में जो भी डिस्कनेक्शन है उस पीरियड का डाल दिया जाएगा वॉलेट के अंदर, जो कि आपके इंडिपेंडेंट टीवी का वॉलेट होगा। तो दोस्तों तीन बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला कि 15 अगस्त का डेट आ गया, इन्होंने मैसेज डाल दिया कि हेवी रेन मुंबई में हो रहा है, इसके कारण लिंक बैठ नहीं रहा तो कोई कनेक्शन आपके पास नहीं आएगा, काम कर रहे हैं ये। दूसरा डेट ये दे दिया कि 21 तारीख के बाद, ऑन 21 तारीख नहीं है, 21 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। मतलब कि कोई ठिकाना नहीं है कब आएगा, क्योंकि ये डेट देके जब मुकर सकते हैं तो अब तो इन्होंने डेट ही नहीं दिया आपको। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप इंडिपेंडेंट टीवी वापस चलाना चाहते हो अपने टीवी चैनल के ऊपर, तो आपको रीवैलिडेट करना पड़ेगा। रीवैलिडेट कैसे कीजिएगा उसके लिए प्रोसेस आने वाले टाइम के अंदर बताया जाएगा, मैं आप तो जरूर पहुंचाऊंगा अगर आप लोग जानने में इच्छुक हो गए तो। उसके बाद इन्होंने बोला है कि वही जो बार बार बोलते हैं कि रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सभी लोग वेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट टीवी जो कस्टमर है जो कि सोच रहे थे इंडिपेंडेंट टीवी वापस आ जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का दिन जुड़ा हुआ है इंडिपेंडेंट टीवी के साथ, तो वो सोच रहे थे कि वापस आ जाएगा इंडिपेंडेंट टीवी 2.0 के नाम से। काफी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाकर बता दिया कि फ्री टू ईयर चैनल आने वाले हैं, और कुछ उन्होंने बताया कि ये वाले चैनल आ जाएंगे, कुछ ने कहा कि वो वाले चैनल आ जाएंगे। देखिए सबकी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी गलत होती साबित होती नजर आ रही है, यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई चैनल नहीं आया है, छोटा यूट्यूबर हो या 1 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर, सबने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जो है ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, मैंने पीछे वीडियो बनाना इसलिए बंद कर दिया था, जब तक मेरे पास पुख्ता कुछ सबूत नहीं आते हैं मैं आपको कुछ वीडियो बनाकर नहीं डालता हूं। तो दोस्तों अगला डेट नहीं पता है, इंडिपेंडेंट टीवी बिल्कुल चेंज कर लो आप, कोई भी तरीके से वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है 21 तारीख को मैसेज डाल देंगे कि 1 महीने के लिए हमने बढ़ा दिया, तो मेरा ये मानना है, आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज अपने जो भी कनेक्शन है उसको चेंज कर लीजिए, उसी में फायदा है। अदरवाइज ये बढ़ाते रहेंगे डेट, हम वीडियो बनाकर डालते रहेंगे, आप इंतजार करते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कोशिश कीजिए कि जितने लोगों तक पहुंचा सके इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सके। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।